और बड़ी खबर, दिल्ली में यमुना के जलस्तर में अब कमी जरूर आई है, लेकिन यमुना के किनारे रहने वाले लोगों के लिए अभी भी परेशानी का दौर। दरअसल जलस्तर में कमी तो आई, लेकिन अभी भी आफत बरकरार है। और आपको बता दें कि यमुना के खादर इलाकों में सैकड़ों परिवार रहने को मजबूर हैं, और इस प्रशासन के द्वारा सरकार ने अभी तक कोई मदद नहीं भेजी है। हर साल लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है, और जल स्तर में कमी आने के बावजूद आफत बरकरार है। फिलहाल आपको बता दें कि यमुना के खादर इलाकों में पानी घुसा हुआ है और सैकड़ों परिवार यहां पर रहने को मजबूर हैं। हर साल लोगों को इस तरह की परेशानी उठानी पड़ती है और लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। आलम यह है कि यमुना खादर इलाके में पानी घुसने की वजह से सैकड़ों लोग बेघर हो गए और मजबूरी है उनकी, मजबूरन वो परिवार के साथ सड़क पर रहने के लिए मजबूर हैं। और पीड़ितों का यह आरोप है कि प्रशासन की ओर से, सरकार की तरफ से अभी तक उन्हें कोई मदद नहीं मिली है। आपको बता दें कि यमुना का जल स्तर अचानक बढ़ जाने की वजह से नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी आफत हो गई है। यमुना खादर इलाके में कई ऐसे परिवार जो करीब करीब 20 से 22 सालों से यहां पर रह रहे हैं, लेकिन आज तक प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और हर साल इन्हें मुसीबत उठानी पड़ती है। अब हालात ये हैं कि सड़कों के किनारे लोग रहने को मजबूर हैं। यमुना के बढ़ते जलस्तर की वजह से आम जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। इस वक्त हम यमुना खादर इलाके में मौजूद हैं, जहां सबसे पहले हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से यमुना का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। आप देख सकते हैं ये यमुना खादर का इलाका है, और आप देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। ठीक सामने आप देख सकते हैं सैकड़ों झुग्गियां आपको नजर आ रही होंगी और सभी झुग्गियां पानी से लबालब नजर आ रही होंगी, और यही वजह है कि इन झुग्गियों में रहने वाले लोग आज दिल्ली की सड़कों पर अपना आसियाना बनाकर रह रहे हैं। और उनका कहना है कि जिस तरीके से अचानक से यमुना का पानी उनके घर में घुसा है, उसको लेकर के वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़क के किनारे लोग ट्रैक्टर लगा करके, झुग्गी बना करके रहने को मजबूर हैं। जो लोग सड़कों के किनारे रह रहे हैं उन्हीं से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जो यमुना का पानी है वो किस तरह से इन लोगों को परेशान कर रहा है। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल जी, ये बताइए कि आपके घर में पानी घुस चुका है, अब आप लोग सड़क के किनारे रह रहे हैं, प्रशासन की तरफ से क्या मदद मिल रही है आप लोगों? कुछ मदद नहीं मिल रही, पानी तक नहीं मिल रहा है पीने को, ऐसे ही कोई सुविधा नहीं है, पानी तक नहाने को पानी भी नहीं। आप बताइए आप क्या कह रहे हैं? सर पानी नहीं, नहाने को पानी आ रहा, नहीं पीने के लिए पानी आ रहा, किसी कोई सुविधा नहीं हमारे लिए, नहीं नहीं टेंट, पहले टेंट भी आते थे जब 2013 में टेंट भी लगे थे, इस बार तो कुछ भी नहीं दिया सरकार ने। अच्छा ये बताइए कितने दिनों से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? आज तीसरा दिन है सर। परिवार लेकर के ये सड़क के किनारे रहने को मजबूर है, यहीं पर नहा रहे हैं, यहीं पर खाना बना रहे हैं, और यहीं पर पिछले 3 दिनों से डेरा डाले हुए हैं। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि प्रशासन की तरफ से भी इनको कोई मदद नहीं मिल रही है। माता जी यहाँ पर मौजूद हैं, आप बताइए 3 दिनों से आप यहाँ पर रह रही हैं, प्रशासन का कोई अधिकारी आप लोगों से मिलने आया, कुछ जानकारी ली? कोई नहीं आया है, 3 दिन हो गए पर जाना, कोई नहीं आया है, कोई अधिकारी नहीं आया है कुछ। दिल्ली की सड़कों पर रहने को मजबूर है क्योंकि यमुना खादर में पूरी तरह से पानी घुस गया है, परिवार को लेकर के वो सड़क के किनारे रह रहे हैं, और पिछले 3 दिनों से प्रशासन का एक भी अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है। यहाँ पर खाना पका रही हैं, हम उनसे बात करेंगे, क्या कहेंगी आप लोग, कितने दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं? हम काफी दिनों से रह रहे हैं, एकदम बाढ़ आई थी, आए गए ऊपर, अब क्या करा, अब जलो पानी ना सूखो, अब इतने इतने पानी में बताओ ना कुछ खाने को ना पीने को, बताओ क्या दिक्कत नहीं है, नन्ने नन्ने बालक ना ले पड़े हैं। जो महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं उनसे लगातार बात कर रहे हैं, क्या कहेंगी आप लोगों से, किसी अधिकारी ने मुलाकात की? काऊ ने कछु ना करो, हमको काऊ ने कुछ सौदा ना दई और ना कुछ मिलो भैया, हम तो बहुत गरीब है, हम तो जमीनों ना करे हैं, मजदूरी करते हैं,
करते बेलदारी मजदूरी करने जाते हैं हम तो हमारो लड़का और कुछ हमारे पास ना आए सौदा हमारी बाढ़ में गई बीमार पड़ गए सो पहले बारों में रिल गई अब आई गई बाढ़ फिर हमारो कुछ ना रहो। कितने दिनों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? मुझे 20 साल हो गए यहाँ रहते रहते 20 साल से हम रह रहे हैं और अब इतनी जोर से पानी आया है वो क्या एक बार आ चुका है लेकिन कोई मदद इस बार नहीं मिली है पहली बार तो। अक्सर देखने को मिला है कि दिल्ली के यमुना खादर में जब भी यमुना में पानी छोड़ा जाता है या बाढ़ आती है तो उसका असर सबसे ज्यादा यमुना खादर में देखने को मिलता है। हर बार आप लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर होते हैं तो प्रशासन और सरकार की तरफ से क्या कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाए गए? कोई नहीं उठाया अभी कोई कदम उठा अब कोई खामी नहीं आया नहीं कोई कदम उठाए गए हैं इस टाइम कोई देखने भी नहीं आया पूछने भी नहीं आया कैसे रोड पर पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनको लेकर के परिवार के लोग सड़क के किनारे रहने को मजबूर हैं। इनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से सरकार की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं की दी गई है। आप बताइए आप क्या कहेंगे? हम परेशान हैं बहुत ज्यादा पानी ना है खाने को भी ना है हाथ पांव लेके ऐसी भाग आए सब सामान झोपड़ी में रह गए बहुत परेशान है हम गाम गर्मी में पूरा सामान घर ही पर छूट गया सब रह गया ऐसे हाथ पांव रात में पानी आ गए भागने मुश्किल पड़ेगा 12 बजे सामान ढो रहा। तो यानी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यमुना के पानी की वजह से परेशान हैं और इनका कहना है कि सरकार और प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट शशि के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया।